माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है उसी जवाब के आधार पर ही मैं बात कर रहा हूँ, कोई नई बात मुझे नहीं करनी। अध्यक्ष जी, मंडल कमीशन रिपोर्ट के बाद 27% आरक्षण का प्रावधान देश में हुआ और जो देश के विश्वविद्यालयों के अंदर जो स्थिति है आज की तारीख में, अध्यक्ष जी 2371 प्रोफेसर में से केवल एक प्रोफेसर ओबीसी का, 4708 एसोसिएट प्रोफेसर में केवल 6 प्रोफेसर ओबीसी के। ये जवाब है, जवाब है इसका, मंत्री जी का जवाब है। जब बैठो, बैठो चुप, जब बैठो, क्या बात करते हो, सुनोगे भी नहीं, ये मंत्री का जवाब है, मंत्री का जवाब नहीं सुनोगे तुम। अध्यक्ष जी, ये जवाब है इसका, मंत्री जी का जवाब है। जब बैठो, बैठो चुप, जब बैठो, क्या बात करते हो, सुनोगे भी नहीं, ये मंत्री का जवाब है, मंत्री का जवाब नहीं सुनोगे तुम। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, सहायक प्रोफेसर में, सहायक प्रोफेसर में 9521 में 1745 प्रोफेसर। माननीय मंत्री जी, मंडल आयोग की सिफारिश देश के संविधान इसी सदन के पास किए हुए कानून की भावनाओं के अनुरूप मेरा एक ही आपसे प्रार्थना भी है और सवाल भी है कि मंडल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो 27% हक पिछड़ों को मिलना चाहिए ये केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कब तक मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि अकेले आपका दोष है, दोष इन लोगों का भी है जो इतने दिनों से चलाए हैं, लेकिन हम इतना जरूर चाहते हैं कि पिछड़ों को न्याय मिले, चाहे आप दो, चाहे आप दो, चाहे कोई दो, और नहीं दोगे तो संघर्ष होगा सड़कों पर। ये मैं सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूँ। महोदय, मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आदरणीय सांसद ने न्याय की अपेक्षा हमारी सरकार से की है। मैं उन्हें अवगत कराना चाहती हूँ कि जहाँ तक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स के चयन की प्रक्रिया है वो यूनिवर्सिटी का अपना अधिकार है, जो अधिकार इसी सदन ने यूनिवर्सिटीज को दिया है। हमने गत 1.5-2 साल में हर यूनिवर्सिटी को 9 बार स्वयं मैंने पत्र लिखा है, 5 बार विजिटर्स की और वाइस चांसलर की मीटिंग्स में हमने बार बार आग्रह किया है कि आप जो वेकेंट सीट्स हैं उन्हें SC ST OBC की दृष्टि से भी भरिए। मैं उन्हें ये ज्ञात कराना चाहती हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन कैंपस पर ना हो उसके लिए भी केंद्र की सरकार की ओर से लिखित भी प्रावधान किया गया है, निर्देश भी दिया गया है, साथ ही वाइस चांसलर्स के साथ बैठकर बातचीत भी की गई है। आदरणीय सांसद महोदय शायद इस बात से भी संतुष्ट हों कि मेरे कार्यकाल में ही एक तो VC स्वयं जिनको चयन किया गया है वो भी डिसएडवांटेज कम्युनिटी से हैं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार की ओर से बार बार ये हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को अपील की जाती है, IIT IIM में अपील भी की जाती है कि जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज से हैं, चाहे वो छात्र हो या अध्यापक हो, कानून के अंतर्गत उनके साथ न्याय भी होना चाहिए, उन्हें उनका अधिकार भी मिलना चाहिए और अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए। यह हमारी ओर से निरंतर प्रयास है और इस प्रयास से स्वयं माननीय सांसद भी अवगत है। क्वेश्चन अवर इज ओवर, पेपर्स टू बी लेड ऑन द टेबल। श्री अरुण जेटली जी। मैडम, आई राइज टू ले ऑन द टेबल ऑफ द हाउस द पेपर्स मेंशन्ड इन सीरियल नंबर 2 अगेंस्ट माय नेम इन टुडेज लिस्ट ऑफ बिजनेस। आइटम नंबर 3 श्री कलराज मिश्रा जी। महोदया, आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 3 में मेरे नाम के आगे उल्लिखित कागजात को सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 4 सुदर्शन भगत जी। क्वेश्चन ओवर हो गया। श्री वीरेंद्र सिंह, ग्रामीण विकास मंत्री की ओर से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर उनके नाम के सामने उनकी दस्तावेज सभा के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 5 श्री ज्वेल ओराम जी। संख्या 5 पे उल्लेखित मेरे नाम में कागजात में सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 6 श्रीमती स्मृति ईरानी जी। मैडम स्पीकर, विद योर परमिशन आई राइज टू ले ऑन द टेबल ऑफ द हाउस पेपर्स मेंशन अगेंस्ट माय नेम एट सीरियल नंबर 6 इन टुडेज लिस्ट ऑफ बिजनेस। उनकी महिलाओं का बलात्कार कैसे होना चाहिए, ये उसकी एक फिलॉसफी, उसके दस्तावेज हैं, और उसकी तुलना करना कि इट इज लाइक एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, मुझे लगता है आपने जाने अनजाने में ISIS को रिस्पेक्टेबिलिटी दी है इस बयान से, जिससे आपको बचना चाहिए था।